चलिए बच्चों, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौर आज एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी पे टॉपिक है। सामान्य हिंदी में क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी और यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी ग्रुप सी का जो एग्जाम है, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, उसमें हिंदी के, उत्तराखंड में तो आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल पैक है हिंदी के क्वेश्चन, लोग से उत्तराखंड ट्रिपल एससी में आने ही आने। इसके अलावा यूपी में भी है, यूपी में और एग्जाम दोगे उनमें भी हिंदी रहती है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हमारे जो एग्जाम है उनमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए, उन्हीं पेपरों का एनालिसिस करते हुए, उन्हीं पेपरों का अध्ययन, लगभग 8 से 10 साल का अध्ययन करने के बाद मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। और वो हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी से टॉपिक है। टॉपिक तो ये बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि बच्चे सही दिशा में पढ़ते नहीं इस चीज को, और सही दिशा में हमें आवश्यकता है किसी भी चीज को पढ़ने की। और जब हम किसी चीज को सही दिशा में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कोई छूटने की संभावना ना कि बराबर रहेगी। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आज आपके सामने एक सामान्य हिंदी पर टॉपिक लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं वो उस टॉपिक का क्या है, वो हमारा टॉपिक देखिए। सामान्य विषय हमारा आज 4 फरवरी है 2022, विषय हमारा सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में ये मैं आपके सामने वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहां से बच्चे पढ़ते तो है लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते, उसकी परिभाषा समझने की आवश्यकता है हमें किसी भी चीज की। तो उसकी परिभाषा जब हम समझेंगे तो कोई भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जो हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा में मूल, क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा में जो मूल स्वर है उनकी संख्या कितनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या है, ये तो बता देंगे हम लोग कि 11 है, लेकिन 11 में अगर ये पूछ लिया एग्जामिनर ने कि कौन सा स्वर है कौन सा नहीं है, तो वहां के हमारी एक समस्या क्रिएट हो जाती है। तो हमें आवश्यकता है थोड़ा ध्यान से पढ़ने की, चाहे वो टॉपिक हमारा एग्जाम में कितना भी आसान हो, तो हमें एक ध्यान से और ध्यान एकाग्रता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो आप याद रखें जो हमारे कुल स्वर है उनकी संख्या कितनी है, आपको बताया मैंने 11। अब क्वेश्चन इससे दूसरा पॉइंट ये बनता है कि स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वर उसे कहा जाता है जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, मतलब जो बिना किसी वर्ण के अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उसे ही हम स्वर कहते हैं, बिना किसी वर्ण के बोला जा सके। देखो ये परिभाषा दी, आप चाहो तो रजिस्टर में उतार लेना। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्वरों की जो कुल संख्या 11 है वो हमारे स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, ए पता होगा सब बच्चों को, आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री री ए आई ओ औ। तो ये हमारे कुल 11 स्वर है। अब एक पॉइंट मैंने नोट में डलवा, देखना हिंदी भाषा में रेरी को अर्ध स्वर माना जाता है, जो रेसिडिशी है, रेसिडिशी कह लो आम भाषा में, या रेरी कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसे अर्ध स्वर माना जाता है। अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है, मतलब अर्ध स्वर होने के बावजूद भी इसे हमने स्वर में शामिल किया है। तो आप याद रखना रेरी को अर्ध स्वर माना गया है और इसे हमने उसके बावजूद भी अर्ध स्वर में शामिल किया है। तो ये 11 जो स्वर है आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक है, क्वेश्चन आता है अयोगवाह जो स्वर है उनकी कुल संख्या कितनी है।
तो उनकी कुल संख्या हमारी दो है। अयोगवा जो स्वर है उनकी कुल संख्या दो है। अयोगवा की अगर परिभाषा आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कौन से अयोगवा की परिभाषा है कौन सी नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे परिभाषा देखो लिखवाई है मैंने परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हो, मतलब दोनों के बीच का स्वर का भी गुण हो उसमें और उसमें व्यंजन का भी गुण हो, तो उन्हीं को हम अयोग वह स्वर कहते हैं। क्लियर परिभाषा, संख्या क्लियर दो। अब क्वेश्चन ये दे देगा निम्न में कौन सा अयोगवा है और कौन सा नहीं है, तो याद रखना अंग और अह, अंग और अह, तो ये दोनों आपके अयोगवा होंगे। तो अंग को अनुस्वर कहते हैं और अह को विसर्ग कहा जाता है, तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट करा देता हूं, अयोगवा की संख्या कितनी है दो। अयोगवा किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हो, मतलब दोनों की क्वालिटी दोनों का मिक्स हो, उसी को हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कौन से हैं, अंग और अह, तो अंग जो है अनुस्वर हो जाएगा और अह जो है विसर्ग हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहां तक आपके, ओके। तीसरा पॉइंट है हमारा, हमारे जो कुल स्वर है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारे जो कुल स्वर है तो वो हो गए आपके 13। क्यों, जो स्वर है उनकी संख्या 11 है, दो अयोगवा हो गए, 11 + 2 = 13। क्लियर पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, नोट में डलवाया हूं मैंने, देवनागरी वर्णमाला में सरकारी स्तर पर, मतलब जो सरकारी हमारा कार्यालय है, सरकारी कार्य कामकाज है, उस स्तर पर ये याद रखना अंडरलाइन कर देता हूं, सरकारी स्तर पर 11 स्वर और 38 व्यंजन है। सरकारी कार्यालय में सरकारी स्तर पर हमारे 11 स्वर माने जाते हैं और 38 व्यंजन माने जाते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो कुल व्यंजन होते हैं या कुल वर्ण होते हैं 11 + 38, तो ये हो जाते हैं टोटल 49। ओके, एक बात फिर देख लीजिएगा मेरे साथ साथ देख लीजिएगा, देवनागरी वर्णमाला में सरकारी स्तर पर 11 स्वर, ये देखो 11 स्वर और 38 व्यंजन है, इस प्रकार 11 + 38 49 कुल वर्ण हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या हमारी हो जाएगी 25। एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है एग्जाम में कि उनकी कुल संख्या कितनी है 25। अब दूसरा क्वेश्चन इनकी परिभाषा से भी पूछ सकता है, स्पर्शी किसे कहते हैं, कंठे किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धन्य किसे कहते हैं, दंत किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं, उष्म किसे कहते हैं, तो एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं इस पे जो हमारे लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है जो बच्चे क्लास में उपस्थित है 25। वेरी गुड। अब देखो कैसे कैसे, क ख ग घ ड, मतलब ये है जो का की हमारी सीरीज है, का वाली सीरीज है उसे हम कंठे कहते हैं, कंठे। आप देखो थोड़ा सा फील करके देखो, क ख ग घ ड ढ, क ख ग घ ड, तो आप देखो तो गले से इनकी आवाज निकलती है इसीलिए हम इन्हें कंठे कहते हैं। दूसरा तालवे, तालवे की जो सीरीज है च छ ज झ ञ, अब देखो तालवे का मतलब हमारी जो जीभ है वो तालवे से लगती है इसीलिए इन्हें तालवे कहा जाता है, तो तालवे की जो सीरीज है वो च वाली सीरीज है, आप याद रखना। अब मूर्धन्य,
मूर्धन्य की क्वेश्चन आता है, मूर्धन्य है कौन सा है, इन्हें सबको मिक्स कर देगा फिर तालवे मूर्धन्य कंठे एक वर्ड पूछ लेगा क्वेश्चन। देखो मूर्धन्य, मूर्धन्य ट ठ ढ ऐ, मूर्धन्य का मतलब ये अंदर ही अंदर इनकी आवाज रहते हैं मूर्धन्य। वाली जो सीरीज है, तावाली जो सीरीज होती है हमारी वो दंत की होती है, तो आप हमेशा याद रखेंगे देखो इनकी जो आवाज है दांतों से लग के निकलती है, त थ द ध न, तो ये आपकी दंत सीरीज होती है। इसी प्रकार से ओष्ठ या ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है होठों से लग के, होठ फरकते हैं इसलिए ओष्ठ। देखो प फ ब भ म, मतलब यह है कि इनकी जो ध्वनि है या इनकी जो आवाज है वो हमारे होठों से लग के निकलती है, दोनों होठों से। तो ओष्ठ जो होगी आपकी प फ ब भ म, क्लियर पॉइंट। इसके बाद हमारी अंतस्थ आ जाता है, अंतस्थ, तो अंतस्थ जो हमारे व्यंजन है उनकी कुल संख्या कितनी है, चार। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या चार है। अभी मैं आपको इनकी परिभाषा बताऊंगा, देखो य र ल व, ये आपके अंतस्थ हो जाएंगे। अब इसके बाद उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, उष्म, देखो शंकर वाला श बड़ा श कर लो, उष्म व्यंजन में बड़ा श आ जाएगा आपका। देखो बच्चों जो क्लास में बड़ा श पेट पटा से शो, छोटा शो और ह, तो ये आपके हो जाएंगे उष्म, उष्म। तो कौन कौन से, बड़ा श पेट पटा से श छोटा श और ह, ये आपके उष्म व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उष्म व्यंजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो इनकी संख्या चार, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारा बनता है संयुक्त व्यंजन कौन सा है, कितनी संख्या है, तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, चार। कौन कौन से, अक्षर त्र ज्ञानी श्रुत वाला श, तो इनकी कुल संख्या हो जाएगी चार। संयुक्त व्यंजनों कुल संख्या कितनी है, चार, भूलेंगे नहीं आप लोग, बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, भूल भी जाओगे तो दोबारा याद कर लेना, ये तो फिर ऐसी बात होगी आप वीडियो बार बार देख लेना, ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है उन्हें उनकी परिभाषा क्या है, स्पर्शी व्यंजन है आपके उनकी परिभाषा क्या है, ये जो आपके स्पर्शी 25 व्यंजन है इनकी परिभाषा क्या है, तो आप देखना नोट में डलवाया हूं मैंने, आप इसे नोट कर लेना मेरे स्क्रीन में। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिन्हें बोलते समय ध्वनि मुख से निकलकर विभिन्न भागों या अंगों को, मुख से निकलकर विभिन्न भागों या अंगों को छूती है। जैसे हमने ऊपर देखा कोई होठों से छू के निकल ली, कोई दांत से निकल ली, कोई कंठ से निकल ली, कोई तालू से निकल ली, तो इन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिनकी ध्वनि जब निकलती है शरीर के या मुंह के किसी भी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 25, ये मैंने आपको बतला दी। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 5 है, टू द पॉइंट डलवाया हूं मैंने, देखो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, इसके बाद हमारा पॉइंट 4 और पॉइंट 5। देखो अब द्विगुण व्यंजन की संख्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बार बार उत्तराखंड में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द्विगुण व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 2, और द्विगुण व्यंजन कौन से है, ड और ढ, ड और ढ, कौन से है, द्विगुण व्यंजन।
अब देखो परिभाषा देख लो, इसकी परिभाषा लिखवाई है मैंने, ड एवं ढ के नीचे एक बिंदु, मतलब आपने देखा होगा जब हम ड ढ लिखते हैं तो उनके नीचे बिंदु होती है, ये लिखा हुआ देखो यहां, इसलिए लिखा हुआ वहां थोड़ा समझाना है, एक बिंदु ये होता है लगा देने से बन जाते हैं ड, जैसे ये देखो ड ड, इन्हें द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दो गुण होते हैं, समझिए द्विगुण व्यंजनों में दो गुण पाए जाते हैं और इनके नीचे बिंदी होती है, और वे दो शब्द या दो अक्षर कौन से ड और ढ, जैसे कि ड ढ देखो यहां मैंने बिंदी तो लगाई एवं ड ढ का पाया जाता है, तो याद रखना द्विगुण व्यंजन उन्हें कहते हैं ड और ढ। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन उठता है एग्जाम में, अंतस्थ व्यंजन कौन से है, ये परिभाषा है, ये तो वैसे तो मैंने तुम्हें ये यहां बता दी अंतस्थ व्यंजन, योर लो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन ये हमारी परिभाषा है। देखो ऐसे व्यंजन जो स्वर, ऐसे व्यंजन जो स्वर एवं व्यंजनों के बीच का व्यंजन होता है, ऐसे स्वर जो स्वर एवं व्यंजन, मतलब स्वर और व्यंजन ये देखो के बीच का व्यंजन होता है, मतलब स्वर के बीच में हो और व्यंजनों के बीच में हो, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आप ध्यान रखना अर्ध स्वर भी नहीं कहा जाता है, भी कहा जाता है, इनका उच्चारण याद रखना अर्ध स्वर भी कहा गया है, इनका उच्चारण जीभ तालु कंठ दंत और ओष्ठ, जीभ तालु दंत और ओष्ठ के सटने से होता है, सटने का यहां मतलब यह है कि फरकने से, जैसे हम बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं होठ फरक रहे होंगे आप देख रहे होंगे इस चीज को, तो सटने से होता है, लेकिन ये किसी भी भाग को छूते नहीं, याद रखना स्वर और व्यंजनों के बीच के वो व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हम बोलते समय हमारे किसी भी भाग को, जैसे जीभ तालु दंत और ओष्ठ के सटने से होता है, मतलब ये लगेगा कि हम बोल ले लेकिन वो एक दूसरे को छुएंगे नहीं, तो छूने से यहां तात्पर्य है कि एक दूसरा भाग उससे लगता नहीं, अटैच नहीं होता, तो लेकिन ये किसी भी भाग को छूते नहीं, ये भी क्या बोलता हूं, किसी भी भाग को छूते नहीं, जैसे य र ल व, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन, यहां भी मैंने लिखवाया था आपको य र ल व, तो ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी कुल संख्या आपकी चार है, क्लियर है पॉइंट, जो बच्चे क्लास में क्लियर है, वेरी गुड। देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उष्म व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है, अब देखो इन्हें संघर्षी भी कहते हैं, उष्म व्यंजनों को संघर्षी भी कहते हैं, परिभाषा देख लेंगे क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु स्थान विशेष से संघर्ष, संघर्ष का मतलब है हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट से छूकर निकलना, रगड़ कर निकलना, छूकर निकलना, उसे उष्म या संघर्षी कहते हैं, समझ गया, उष्म व्यंजन को ही संघर्षी कहते हैं, इनकी परिभाषा यह है जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे बॉडी के किसी भाग को छूकर निकलते हैं, इन्हें ही हम उष्म या संघर्षी कहते हैं, इनकी संख्या चार है, जैसे बड़ा श पेट पटासा स छोटा श और ह, मैंने आपको यहां भी बताया था, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8 संयुक्त व्यंजन, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या क्या है 4, अब देखो इन व्यंजनों का प्रयोग दो व्यंजनों के मेल से होता है, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है इनका प्रयोग दो व्यंजनों के मेल से होता है, जैसे इनकी संख्या 4 है, पूछ लेगा एग्जाम में कौन सा है कौन सा नहीं, अक्ष त्र यानी और शरद वाला श, तो कुल संख्या संयुक्त व्यंजनों की 4 है और इनका जो वो होता है
दो किसी व्यंजन के मेल से मिलने से बनते हैं, इनका निर्माण होता है। जैसे देखो ये भी पूछता है एग्जाम्पल, उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन आ गया, अक्षय, अक्षय का जो निर्माण होगा क प्लस पेट पटास से मिलकर होगा, इसी तरीके से त्र का निर्माण होगा त प्लस र से होगा, इसी प्रकार ज्ञानी का जो निर्माण होगा ज प्लस आई से होगा, इसी प्रकार श्रोते का जो निर्माण होगा श्री का श्रोते का कुछ भी कह लो श बड़ा श प्लस र के मिलने से इनका निर्माण होता है। एक नजर शॉर्ट में देख लीजिएगा, ये ब्रीफ समरी है आपकी, बस ये देख लीजिएगा, ये देखो ये ब्रीफ समरी बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए। देखो यहां से ब्रीफ समरी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी उसका निचोड़ रह जाता है एग्जाम में। वर्णमाला एक गजल में स्वरों की संख्या कितनी है 11, अयोग स्वर कितने हैं 2, कुल स्वर कितने हैं 13, और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है 2, अंतस्थ व्यंजनों की 4 सॉरी, और इसी तरीके से ऊष्म व्यंजनों की 4, ये मैं आपको लिखवा रखा है देखो, और संयुक्त व्यंजनों की 4, ये तो अभी बताया मैंने आपको संयुक्त व्यंजन कौन से नहीं। तो इस प्रकार कुल जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या 52 है, ये लिखा हुआ नोट में, आप इसे नोट कर लेंगे, हमारे कुल व्यंजनों की जो संख्या है वे 52 है। ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे है, तो आप इसे एक बार पढ़ लें, देखो रिपीट करा देता हूं, जो बच्चे क्लास में मेरे साथ साथ बोले, स्वरों की कुल संख्या 11, वेरी गुड, अयोगवा स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, कौन से हैं वो मैं आपको बताया ड और ड, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, श पेट पटा स स और ह, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं जो दो स्वरों के मिलने से जिनका निर्माण होता है और उन्हीं को उनकी संख्या 4। तो इस प्रकार ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये हिंदी पर था, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे आज की क्लास थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप उत्तराखंड का लेखपाल का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आपकी 20 नंबर की हिंदी है, आप उत्तराखंड का पुलिस का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी हिंदी है, एसआई में भी आपकी हिंदी आनी है, और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है ग्रुप सी के उनमें सब में हिंदी की भूमिका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपी में भी हिंदी रहती है एग्जाम में ग्रुप सी वगैरह में, तो मतलब ये है कि हिंदी हमारे लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समय समय पे और इसके बाद भी जो क्लास रहेगी वो हिंदी के हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारा इंतजार करिएगा, और आप इसे जो भी अगर इसके बाद आपको कुछ लगे कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन करें और हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए खैर मिलते हैं कल और नेक्स्ट क्लास के साथ, हो सके आज ही, तो आप तब तक इसे पढ़िएगा और एक एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा। तो हमें उम्मीद है आप आने वाले जो आगामी एग्जाम है उनमें सफल पूर्ण रूप से होंगे, और हमारे जुड़िएगा हमारी क्लास से और जोड़िएगा और बच्चों को भी हमारी क्लास से ताकि उनका भी फायदा हो सके। ओके।